हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लकीज कॉर्नर। फ्रेंड्स, आप सब के लिए एक मैं रेसिपी लेके आई हूँ अचार बनाने का। ये मिर्ची का इंस्टेंट अचार झटपट बन जाएगा और बहुत टेस्टी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग मिर्ची का फटाफट अचार। बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है ये मिर्ची, हरी मिर्ची तीखी वाली, और इसको मैंने साफ करके धो के बिल्कुल सुखा लिया है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले मैं गैस पे एक छोटा सा बर्तन रखूंगी, जिसमें मैं राई का तेल गरम करूंगी। अचार के लिए राई का तेल सबसे अच्छा होता है। देखिए, एक कटोरी मैंने तेल लिया है 100 ग्राम मिर्ची के अकॉर्डिंग। तेल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, बिल्कुल धुआं आएगा तब इसको बंद करना है। फ्रेंड्स, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकलने लगी है। अब मैं इस स्टेज पे गैस को बंद कर दूंगी और तेल को बिल्कुल ठंडा होने दूंगी। गरम तेल हम लोगों को मिर्ची के अचार में नहीं डालना है। सबसे पहले हम लोग मिर्ची को कट कर लेंगे। मिर्ची को कैंची से कट करेंगे तो हाथों में भी तीखा नहीं लगेगा। इस तरीके से कट कर लेना है ताकि इसके अंदर मसाला भी अच्छी तरीके से जाए और हाथों में भी जलन ना हो। अगर आप चाकू से कट कर रहे हैं तो फिर हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। इस तरीके से पूरी मिर्चियों को कट कर लेना है। ये देखिए, सारी मिर्चियाँ काट लिया है मैंने, और अब मैं मसाले की तैयारी करूँगी। अब मैं थोड़े से मसालों को भून लूँगी। मैंने सबसे पहले लिया है ये सौंफ, ये है 2 बड़े चम्मच, और ये राई लिया है मैंने, ये है 1 बड़े चम्मच, और थोड़े से जीरा लिया है मैंने, थोड़ी सी जीरा लिया है, और ये है मेथी। मीडियम फ्लेम पे इन मसालों को रोस्ट करना है। ये देखिए, मसाले भुन गए हैं और अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी और इन मसालों को हल्का सा दरदरा पीस दूंगी। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। अब इसमें सबसे पहले डालूंगी मैं हल्दी। हल्दी कुछ 1.5 चम्मच तक डालूंगी मैं, छोटे 1.5 चम्मच से। और इसमें मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, इसको कलर देने के लिए। अगर आप इसको ना डालना चाहें तो मत डालिए, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे अचार को। नमक, ये देखिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कलौंजी डालूंगी मैं, ये कलौंजी से अचार का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब मैं डालूंगी ये जो हम लोगों ने मसाला पीसा था वो मसाला, ये पूरा दरदरा पीस दिया है मैंने। और अब इसमें मैं डालूंगी वाइट विनेगर। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहते हैं तो नींबू का रस डाल सकते हैं। ये मैंने कुछ 8 चम्मच लिया है। और अब सबसे लास्ट में डालूंगी मैं ये गरम किया हुआ और ठंडा तेल, इसको हम लोगों ने गरम किया था और ठंडा कर लिया था। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, रेडी हो गया हम लोग का टेस्टी और यम्मी अचार। और इस तरीके से 2 दिन धूप में हम लोग को सुखा लेना है और बाद में एक कांच की भरनी में इसको हम लोग को भर के रख देना है। इसको आप पराठे के साथ में या रोटी के साथ में, कोई भी चीज़ के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, बहुत यम्मी लगेगा खाने में। फटाफट बन के रेडी हो गया हम लोग का अचार मिर्ची का। तो फ्रेंड्स, आप लोग कीजिए इस टेस्टी अचार को एंजॉय, और मैं अपने अगले वीडियो की तैयारी करती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।